तो ये होगी भाई खाली अपनी गाड़ी टोटल। और ये सारे बंदे हेलो कर दो। ये है बाबू जी का घर, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शानदार विला लगता है भाई, पूरा विला बोलते हैं। तो ये भाई शॉप इनकी यहाँ पे डीके जनरल स्टोर, और ये सामने ही खड़े हुए भाई बाबू जी, ठीक है, जिन्होंने टोपी से लगा रखी है। ये है बाबू जी यहाँ के, और इन्हीं के अंदर भाई सारा कुछ इन्हें का ही है। यहाँ पे जाम गए थे वो भी, और ये भी ये मंदिर है भाई, अभी यहाँ पे जाना हमने, ठीक है, और जहाँ से गाड़ी आ रही है वहाँ तक जाना हमने। और देख लो कैसा जी आगे नहाने, ये जी यहाँ पे गर्म पानी का लिए टापरी में उबाला, देखो पानी कैसे मार रहा है। ओहो हो मां भाई ऐसा गर्म पानी है ना। अच्छा भैया मीरू से ये पिकअप आपकी है? अच्छा ये इनके मामू की। और ये भैया मिले हमारे वीडियोस देखते होंगे, और एकदम से रुक गए भाई, हम जा रहे थे खाना खाने, और भैया सेब बोल रहे कि सेब निकाल लो। निकाल ले भैया, पक्का निकाल लिया दादा? थैंक यू यार भैया, ओके थैंक यू, ठीक है थैंक यू यार, ओके भैया बाय। तो गुड मॉर्निंग है जी सबको, 7:10 हो गए हैं, और हम हैं जी भाई कहाँ पे, सांगला की वैली में, ठीक है। और भाई रात को व्लॉग भी नहीं कर पाया मैं तो एंड, और भाई रजाई वगैरह हमने प्रॉपर पूरी ले ली, पहले रजाई वगैरह लेके आना पड़ता है यहाँ। सो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है भाई सांगला वैली से, ठीक है। सो पहले उतरेगी भाई ये वाली गाड़ी, क्योंकि इसमें फीड है थोड़ी सी। ये भाई यहाँ पे रात को भाई मैं कर ही नहीं पाया इस व्लॉग को एंड, क्योंकि भाई नींद ही ऐसी खतरनाक आ गई थी खाना खाने के बाद। पिछला व्लॉग देखा होगा आपने, ऐसे ही कर दिया था मैंने एंड। तो भाई आज का व्लॉग कर रहे हैं यहीं से स्टार्ट सांगला से। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है पंकज, और आप देख रहे हैं भाई ड्रीम टेक व्लॉग्स। तो वेलकम बैक टू अदर वीडियो। भाई आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज भाई गाड़ी भी खाली करनी है, और भाई लोडिंग का भी देख लेंगे यहाँ से वापसी के लिए कब तक होती है, क्योंकि अभी ना देखो ये सेब के पेड़ है यहाँ पर सारे में, अभी चला नहीं हुआ सेब यहाँ पर। सो अभी यहाँ पर कम से कम 10-15 दिन बाद चलेगा यहाँ से सेब, तब तक यहाँ खड़े नहीं रह सकते। देखते हैं क्या बनता है लोडिंग वगैरह का, अभी तो पहले खाली करवाते हैं गाड़ी भाई, तरपाल खोलते हैं सारा ये, और छिट्टियाँ तो लगी हुई है पर बोल रहे हैं कि खोल दो तरपाल हो जाएगी खाली। चलो अपनी गाड़ी खाली होने लगी भाई, तो खुशी की बात ये है। और यही थी गाड़ी फीड लेके भाई अपने खन्ना से यहीं के लिए 10 टन। चलो बढ़िया हो गया, मौसम भी ख़राब ही, हल्का हल्का तरपाल खोलना पड़ेगा बस हमारे को आगे आगे को ना, बाकी तो कुछ नहीं। तो ये होगी भाई खाली अपनी गाड़ी टोटल, और ये सारे बंदे हेलो कर दो। खाली कर दी भाई इन्होंने गाड़ी, आधा घंटा भी नहीं लगा। और ये है आके बाऊजी है, और यहाँ पे हुआ हमारा सारा गत्ता इसमें खाली, यहाँ पे हुआ हमारा गत्ता, इसके नीचे रखना पड़ता है ना क्योंकि ख़राब भी हो जाते हैं अगर बारिश वगैरह में ज़्यादा रह जाए तो। बाकी तो कुछ नहीं आना, बाकी तो ठीक ही था यहाँ पर, सुबह सुबह खाली भी होगी, अभी टाइम भी कुछ नहीं हुआ। अभी देख लो टाइम क्या हुआ, 8:27 हुए थे, 7 बजे लगे थे खाली करने, सारा हो गया भाई खाली अपना। चलो तरपाल कर लेते हैं सारा कुछ इकट्ठा, फिर मिलाता हूँ आपको बाबूजी से भी, यहाँ के ओनर है, ठीक है। और हम सोच रहे भाई यहाँ पे ना कर ही लेते हैं इसको पूरा ना ऊपर से, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना फिर अंदर जब लोडिंग करेंगे तो डाला सुखा चाहिए, तो हमारे को यहाँ ऊपर तरपाल भी अभी डाल देना पड़ेगा इसमें। हल्का गिल्ला हो गया फर्श, और ये भाई कुछ गिल्ला हो गया हल्का हल्का, ऐसा तरपाल बिछेगा बाद में। पर देखो ऊपर घोड़ी के लिए ना हमने पता क्या सिस्टम कर रखा है, इसमें पूरी वाली पाइप नहीं है, जो बड़ी वाली पाइप लगती है ना वो नहीं है, ये इसमें हमने आधे आधे पीस लगाए हुए, ये इतना ये यहाँ से वहाँ तक, और एक पीस वो है वो लगेगा वहाँ से वहाँ तक, तो 3 पीस में हमने इसकी घोड़िया मतलब ऊपर की लंबी पाइप बनाई है, और वो आ भी जाती है यहीं पीस वाइट में। ये कुछ ऐसा सिस्टम है देखो, हाफ पाइप यहाँ तक, हाफ पाइप यहाँ तक, और हाफ ही पाइप यहाँ तक, तो इसका कुछ पैटर्न है भाई, और ये लग भी यहीं जाते हैं साइडों में, तो ये बना रखी भाई अलग से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना देखो यहाँ से माल अप चल जाता है, हाइट में चल जाता है इस बट्टे से, फिर यहाँ पे नीचे आ जाता है, तो ऐसा है कि हाफ में यहाँ पर ऊपर तक माल आ जाएगा, इधर तक ये वाला बत्ता लग जाएगा, और पीछे को भी ऐसे बन जाएगा, या पीछे हो जाए कम माल तो पीछे वाला लास्ट वाला बत्ता कहाँ से वे, ये इस तरह से बनाएगी भाई कुंडी। सो भाई हो गया हमारा तिरपाल, हमने इसमें जाला भी मार दिया है, पर बारिश ही बहुत लगी थी, बस हमने अभी तरपाल डाल के इसमें अंदर ही हम, और अंदर जो पानी आ गया हुआ ना देखो, पानी अंदर बारिश से आ गया वो कर रहे भाई साहब। तो भाई बड़ी मुश्किल से लगा दिया भाई हमने तरपाल, ऐसे मौसम में बहुत मुश्किल है भाई ऐसी बारिश में तरपाल लगाना, पर ये लगाना भी जरूरी है, फट्टे भी लगा दिए हमने, क्योंकि यार फिर बाद में बारिश में ना अंदर डाला गीला हो जाएगा, फिर माल लोड नहीं होएगा, फिर सुखाओ पहले उससे बट है हाँ इतना ही है, इतना गर्म हो जाएगी, थोड़ा सा ही करना था, थोड़ा सा ही किया,
बस ठीक है, यहाँ गड्डी मोड़ने के लिए यहाँ मोड़ेंगे पार गाड़ी। और ये उन्हीं की है बाबू जी की 1123 इनोवा, और एक उनके पास ऑल्टो केटन रेड कलर की। ठीक है जी, बाकी चलते हैं और गाड़ी वगैरह मोड़ते हैं। उनको ना हमारे को उधर ही बुलाया था, पर क्योंकि इनकी मेन है ना जो दुकान है वो है अपने सांगला जो मेन बस स्टैंड है ना उसके साथ, बस स्टैंड का ना नीचे बहुत मतलब यहीं है, अपर साइड पे ही है उनकी दुकान। इसमें ऐसी हो रही ना, और ठंड भाई भीग के, कपड़े भी सारे भीग के, अंदर भी ऐसी खलारा डाला हुआ हमने, क्योंकि अभी मैं कहा बाद में करेंगे सब कुछ अच्छे से, अभी निकलते ही है यहाँ से फटाफट। अंदर तो बड़े बुरे हाल हमने किए हुए यहाँ पे। और ये है बाबू जी का घर यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा शानदार विला लगता है भाई, पूरा विला बोलते हैं जिसको, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है बनाया हुआ। चल रहे भाई यहाँ से बाजार 1 किलोमीटर है आगे को, तो अभी यहाँ से चलते हैं और किराया वगैरह लेते हैं, फिर निकलते हैं नीचे टापरी को, वहाँ से ही बन जाएगी लोडिंग। अभी यहाँ ना शुरू ही नहीं हुआ, 25 के बाद है यहाँ पे स्टार्टिंग। ठीक है जी, तो ये देख लो भाई सेब बिल्कुल ही होते हैं घरों पे ही लगे हुए, देखिए घर भी साथ ही और सेब भी साथ ही लगे हुए। तो अभी इसमें कलर नहीं आया हुआ, इतना साइज़ तो हो ही गया लेकिन कलर नहीं आया। और एक घर भाई यहाँ पे ट्रेडिशनल घर है भाई हमारे हिमाचल के किन्नौर जिला के, आगे को तो अभी कुछ नहीं दिखा, शीशा थोड़ा गंदा ही यार। तो ये भाई शॉप इनकी यहाँ पे DK जनरल स्टोर, और ये सामने ही खड़े हुए भाई बाबूजी, ठीक है, जिन्होंने टोपी से लगा रखी है। ये है बाबूजी यहाँ के, और इन्हीं के अंडर भाई सारा कुछ इन्हें का ये यहाँ पे जाम गए थे वो भी। और यहाँ से निकलते हैं भाई, और आगे का रोड तो आपको पता ही है कैसा है, और बाकी अनु बताएगा आपको भाई। नीचे भी नहीं देखा जाता भाई, इतना है ना खतरनाक, बहुत ही खतरनाक चीज़ है भाई आगे तो। और ये भाई यहाँ पे जहाँ हमने रात को फोटो भी खिंचाई थी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो भाई, मैं अपडेटेड रहता हूँ वहाँ पे, अब आपको पता लगता रहेगा मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर बनाया हुआ भाई, बहुत ही सुंदर सांगला एंट्री गेट है सांगला वैली का, बहुत ही अच्छा लगा रहे यहाँ के, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और सबसे पहले ही आ जाता है भाई ये क्या है, यह यहाँ का ब्रिज, पूरा पूरा का ब्रिज है। आण दो कुत्तों को भी नहीं करने दो, आ जाओ भाई, तू कहाँ जा रहा है। भाई यहाँ पे यहाँ पहुँच गए हम पॉइंट पे, ये पॉइंट कुछ ऐसा भाई देखो बिल्कुल है नीचे, और यहाँ पे कल भी एक उंगली का फर्क भी नहीं रहेगा था त्रिपाल में, इतनी आराम से निकला। भाई कल भी यहाँ पे ना मतलब रस्ते टाइट किए हमने यहाँ पे एक बारी में, तब जाके निकली यहाँ गड्डी, इतना फासला था बिल्कुल, इतना ऐसी है भाई पॉइंट, ये कि यही पॉइंट है। और एक बार जो क्या बोलते हैं मंदिर है वहाँ पे बस 2 पॉइंट है, बहुत खतरनाक है भाई, बाकी तो ये तो है ही भाई पॉइंट, पत्थर है ना यार बिल्कुल ही, इस पे ऊपर को निकल जाएगी ऊपर को, इतनी जगह ये देख लो, ये है व्यू भाई यहाँ से। और यहाँ पे बोल रहा था मैं आप लोगों को, ये मंदिर दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, तो ये मंदिर है भाई, अभी यहाँ पे जाना है हमने, ठीक है, और जहाँ से गाड़ी आ रही है वहाँ तक जाना हमने। और देख लो कैसा नज़ारा है, कुछ खतरनाक वाला, तो अभी वहाँ तक चलते हैं, वहाँ से दिखाता हूँ, देखो नीचे को खड, ऊपर को भी पहाड़ और बीच में रोड। भाई 1 बजे के करीब पहुंच गए हैं कड़छम डैम, ये देखो कड़छम डैम, ये पहुंच गए जी हम नीचे
करछम चौक के पास ये चल गया भाई किलबा के लिए रोड। पर किलबा इसमें भी जाते हैं लोडिंग करने हम, पर अभी तो सभी बना ही नहीं है कुछ यहाँ से। और ये आपका हार्दिक स्वागत करता है JSW। बस ऐसे ही पुल मिलेंगे आपको यहाँ देखने के लिए। और ये डैम, यहाँ पानी रोका है इसके पीछे सारा, इसके आगे थोड़ा ही पानी छोड़ते हैं, और जब इसको छोड़ते हैं तो फिर बहुत ही ज़्यादा पानी आता है भाई उधर से। ये जी पहाड़ों के बीच पानी रोका हुआ। चंडीगढ़ 331 किलोमीटर है यहाँ से, दिल्ली पड़ गया 600 किलोमीटर। बाइकर गैंग, छोटी गाड़ियाँ तो निकल जाती पर हमारे लिए हो जाती दिक्कत। यहाँ पे सारा पहाड़ आया था ऊपर से नीचे को, तब बनी थी यहाँ से ये लाइन। पूरी पूरी आती पूरी पूरी है जी। ये देख लो नीचे को नदी, ये हमारा पुल, ये आया था देखो पूरा पहाड़ आया हुआ है ऊपर से तब जाके बनी थी, नहीं तो उधर उधर से ही था पहले रोड और इधर से ही मिल जाता था आगे को। ये पहले ब्रिजेस भी अब बने हैं, पहले तो यहाँ से नीचे से ना ऐसी पुलियाँ थी बनी हुई बिल्कुल नीचे, मतलब नीचे कलवट से उन्होंने डाले हुए, उसके ऊपर से था मिट्टी उछाई हुई, उसके ऊपर से आती थी गाड़ियाँ। जब मैं अपने उस्ताद जी के साथ रहता था तब यहाँ से ऊपर को चढ़ती थी वो पुलियाँ। ओह बहुत ख़तरनाक रोड था भाई उस टाइम तो, 2014-15 की बात होगी, उस टाइम का है। रोड ख़राब हुआ, अभी तक बनाया नहीं हुआ क्योंकि ऊपर से ना मिट्टी पत्थर आती रहते हैं। अन्नू के कहाँ बिंडर आ ली। और ये पहुँच गए हम भाई टापरी है वहाँ पे यूनियन, और हम उससे पहले यहाँ गर्म पानी का चश्मा है। अगर टाइम लगेगा अभी थोड़ी सी धूप और लगेगी तो भाई नहा भी लेंगे, गर्म पानी का चश्मा वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को अभी, पर अभी नहीं, अभी खाना खाने चलते भाई। सबसे पहले काफ़ी गड्डियाँ लगी भाई, टाइम देख लो क्या हो गया, 3:02 हो गए। खाना हम खाया यार कुछ मज़ा भी नहीं आया खाना खा के, क्योंकि भाई चपातियाँ थी नहीं, चावल ही चावल थे थोड़े से। यहाँ ऊपर शर्मा ढाबा एक छोटा सा, बाकी अन्नू जा रहा है अभी भाई मार्केट तक, और मार्केट है वहाँ पे जैसे अभी अन्नू मार्केट जा रहा है, फिर उसके बाद क्या करते हैं जैसे अन्नू आ जाएगा उसके बाद नहाते हैं भाई, क्योंकि 2 दिन हो गए भाई नहाने बगैर। और यहाँ गर्म पानी आता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, यहाँ गर्म पानी का चश्मा है ठीक है। और तब तक मैं वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ भाई मेरे, क्योंकि व्लॉग भी थोड़े से लेट ही चल रहे हैं। चलो जी चलो, 4:27 पे नहाने चलते भाई। और यहाँ बाइकर गैंग आ चुकी है, बाइकर गैंग आ चुकी है, बाइकर गैंग सब जा रहे हैं घूमने। उफ कितने सारे है, अभी तो और भी है। चलो हम चलते फटाफट से नहाने भाई, बारिश तो है ही लगी हुई, इसके बीच आपको दिखाता हूँ गर्म पानी का स्रोत। आगे नहाने ये जी यहाँ पे गर्म पानी के लिए टापरी में उबाला, देखो पानी कैसे मार रहा है। ओहो हो हो हो, मां कसम भाई ऐसा गर्म पानी है ना, मजा ही आ गया भाई। ये नेचुरल है भाई, गर्म पानी आ रहा है भाई, हाथ भी नहीं लगाया जाता इतना गर्म है, बहुत गर्म पानी है। दो दो जगह है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह लगाने को भी है जगह। हम तो बहुत दूर है ना हमारी गाड़ियाँ तो उधर, तो हम तो अभी नहा के सीधा चलते हैं भाई। तो फाइनली भाई नहा के आ चुके हैं हम, और हमारा नहाना स्नान हो चुका है। ऐसा गर्म पानी होता ना भाई, वो कसम से भगवान ने ना ड्राइवरों को सारी सुविधा दे रखी है, गर्म पानी आता भाई, घर में भी नहीं मिलता हूँ ऐसा गर्म पानी नहाने को। और पर बारिश लगी हुई तो छाता ले के चले हुए, अरे भगवान। अरे देखो यहाँ से पार्क का नज़ारा कुछ खतरनाक है ना, ये सारे JSW ने बनाए हुए भाई यहाँ पे, जो काम करते हैं उनके लिए रहने के लिए सारा कुछ है। तो फटाफट से चलते भाई गाड़ी में, भीग जाएंगे तो फिर नहाने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ जी कैसे हाल चाल है जी सबके। नहाने को मिल गया भाई, खतरनाक प्रोग्राम है नहाने के लिए यहाँ पे। ओहो हो मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा नहीं और हर खुशी मज़ा आ गया, क्यों मज़ा आया ना भाई नहा के, पर बारिश कर देती काम खराब, धूप हो ना भाई लगी हुई हो मज़ा ही आता है। एक गर्म पानी यहाँ पे और एक है उधर अपना जो रिब्बा से पहले भी है गर्म पानी, रिब्बा में भी है पाली साइड को गर्म पानी, बहुत जगह है भाई गर्म पानी के यहाँ पे। और पूरी फैसिलिटी दी है भगवान ने ड्राइवरों को कि मौज करो बेटा मौज, और ऐसी ठंड में ऐसी गर्म पानी भाई कहाँ से तो आता होना कोई पता नहीं है, पर नहा के आ गया एकदम संतुष्टि होगी। अब जाएंगे हम सीधे चाय पीने, इस गर्मा गर्मी में चाय पी लो फ्रेंड्स।
चाय तो बनती भाई, चाय तो बनती है ऐसी ठंड में। कुछ नहीं है आज भी, हम ऐसा है कि भाई कुछ नहीं हो पाएगा आज भी, ऐसे ही सो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। अब जब भी लोड होगी गाड़ी इसके बाद का ब्लॉग तो तभी बनाऊंगा। बाकी देखता हूँ अगर मैं किसी के घर नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे जो भैया ना आप लोगों, जिन लोगों ने प्रॉपर वीडियो देखते ना उन लोगों को पता होगा, एक पंकज भाई है ठीक है, तो वो बोल रहे थे कि आप मेरे घर चलो, अब पता नहीं मैं जाऊँगा कि नहीं भाई, मेरे को पता नहीं है, अभी देखते हैं क्या कैसा बनता है। सो भाई हम गए थे अभी बाज़ार और शाम के बज रहे भाई 7:30 ठीक है, और हम बाज़ार गए थे यहाँ पे जो बाज़ार है अपना टापरी मंडी के पास बाज़ार है, वहाँ गए थे हम। और वहाँ से भाई छोटी मोटी सी सामान लाए थे, क्योंकि हमारा ना अब जैसे नई गाड़ी है तो इसमें कॉपी पेन वगैरह चाहिए होता है, कटर वगैरह चाहिए होता है, मतलब सब बहुत कुछ लाया हुआ हम, जैसे धूप बत्ती होगी ये इसमें लिखेंगे अभी हिसाब किताब अपना क्या सिस्टम है ठीक है, वो इसमें लिखा करेंगे। कटर वगैरह लाया, काम आती रहती छोटी मोटी चीज़ें हैं, नील कटर हो गया ये लाने गए थे। और ये की चेन लिए, इसमें नाम भी लिख सकते हैं इधर को ना, ये की चेन वगैरह दी हुई है, की चेन में भाई लिख देते हैं हम नाम, एक डीजल के लिए, एक उसके लिए अपना यूरिया का लिखते हैं एक, और एक डीजल के लिए रखते हैं। और भाई दो ही चीज़ें लाए हुए हम, एक तो है की चेन इसकी तो ब्लू वाली लगाते हैं ना इसी में, जो इसके यूरिया के लिए, और ये रखेंगे डीजल के लिए ठीक नहीं, बाकी इसके लिए तो है ही। देखो की चेन दिया था टाटा वालों ने, ढंग की चीज़ नहीं देते टाटा वाले, ये की चेन दे रहे बेकार जी। तो ये हमारे भाई, आप कहाँ से भैया? कहाँ से? अच्छा भैया मीरू से, ये पिकअप आपकी है? अच्छा ये इनके मामू की। और ये भैया मिले हमारे वीडियोस देखते होंगे और एकदम से रुक गए भाई, हम जाते खाना खाने और भैया सेब बोल रहे कि सेब निकाल लो, निकाल ले भैया पक्का निकाल दिया तेरे, थैंक यू यार भैया, ओके थैंक यू ठीक है थैंक यू यार, ओके भैया बाय। यार कच्ची बंदे यार, थैंक यू यार भाई जो भी थे तो आता हूँ गड्डी में सेब मिल गया यार खाने को, भाई लोग अपने जिंदाबाद इस टाइम, थैंक यू यार भाई जो भी था, कमेंट कर देना अगर आप भी वीडियोस देखते हैं। रोटी ज्यादा नहीं रखना अंकल जी, कम बनाना अंकल जी, रोटी कम ही बनाना, बस ठीक है अभी रुक जाओ। तो ये है भैया अंकल जी के पास, यहाँ पर खाना खाने ठीक है, कोई नहीं बाद में बना देना। प्याज नहीं अंकल जी? तो खाना खाने लगे भाई रात को 8:30 बजे, इस बार अंकल जी बंद होना, ठंड बढ़ गई यहाँ पे, और फुलके हैं आज, चावल खाने का मन ही नहीं आता। हाँ जी साई कैसा लग रहा है? ठंड टी शर्ट भाई नहाने के बाद हुए फ्रेश, बढ़िया हुआ है ना, चलो बढ़िया हुआ जो हम नहा गए आज। ये है भाई अंकल जी ने बनाया, क्या बोलते इसको, फुलबड़ी अंकल जी क्या बोलते इसको, सेपू बड़ी बना रखी है, बिलासपुरी धाम की तरह।